तो हेलो भाई लोग, सभी भाइयों को मेरा आदर और प्रणाम। भाई लोग, मैं ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि आप लोग इस स्कैम से बचें, जो कि BGMI बैन होने के बाद लोग स्कैम कर रहे हैं। 1500 रुपये, 3000 में आइडिया दे रहे हैं फेरो वाली, एक सूट वाली, तो इससे आप कैसे बचें? मैं बता रहा हूँ गाइस, कोई भी अकाउंट आपको नहीं मिल सकता। जो बंदा 2-3 लाख रुपये खर्च करे, वो आपको 3000 में नहीं देगा अकाउंट। आज गाइस मेरे साथ भी हो गया, यकीन नहीं होता। मैं आपको अकाउंट का डिटेल दिखाता हूँ, रुको दिखाता हूँ मैं कौन से अकाउंट में मेरे साथ हुआ। ये देखो भाई, ये अकाउंट है, मैं BGMI ओपन करके भी दिखाऊंगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखो 52 और 58, इसका अकाउंट देखो, ये पूरा देखो, ये देखो ठीक। ये इसका बार कोड है जो जिस पे मैंने भेजा है इसको। अभी 500 रुपये मैंने पेमेंट कर दिया है, हाफ पेमेंट। उसके बाद दिखाता हूँ कौन से, आप यकीन नहीं करोगे। तो देखो ये देखो गाइस, बार कोड पर हाफ पेमेंट मैंने कर दिया इस बेचारे को। ये देखो, ये हाफ पेमेंट इसको 500 रुपये कर दिया। उसके बाद मैंने कहा लॉगिन के लिए भेज दे, इनने लॉगिन नहीं करने के लिए नहीं भेजा। उसके बाद कह रहा है तू क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, ये वो इसका उसका, बहुत इसने बुरा भला कहा गाइस। ये देखो 1000 रुपये पहले भेजा था, ये 1000 रुपये। ये गाइस अपना मतलब ये स्कैम इतना बुरा चल रहा है गाइस, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसे फ्रॉड से बचो, ऐसे कोई भी आपको नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, यकीन नहीं होता। इसकी आईडी अगर देखना है आपको, देखो मैं इसकी आईडी भी दिखाता हूँ आप लोगों को। इस आईडी पे ना भाई हजारों हजारों रिपोर्ट मारो, इस आईडी को बैन करा दो तुम BGMI वालों को। मेरे साथ देखो, मेरे साथ हुआ, मेरे दोस्त के साथ भी स्कैम हो गया। हम दोनों ने एक ही साथ पेमेंट किया था, उसने 1000 रुपये किया था, मैंने 500 रुपये किया था। हम दोनों को ही इनने आईडी नहीं दिया, और आईडी पहले दिखा दिया था इसने। इनने कहा तुम हाफ पेमेंट कर दो, हम दे देंगे आपको। हमने कर दिया हाफ पेमेंट, लेकिन इस बंदे ने हमारे साथ धोखाधड़ी कर दिया गाइस। हमें लग रहा था फ्रॉड करेगा, लेकिन भाई ये इतने प्यार से बात कर रहा था कि हमको नहीं पता चला कि फ्रॉड करेगा, और ये हमारे पैसे ले लिया। और आप कह रहा है तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो, जो कर सकते हो वो कर लो। तो आप लोग यार गाइस प्लीज़ यार, इस प्रकार से आप बचो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस आईडी पे ना रिपोर्ट मारो, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट मारो। मैं दिखाता हूँ इस आईडी का, रुको इसकी आईडी कहाँ है, आईडी ये देखो गाइस, ये आईडी देखो, ये देखो आईडी, ये आईडी कहीं से 3000 का लग रहा है, ये देखना गाइस, कहीं से भी 3000 का लग रहा है। लेवल 7, लेवल 7, लेवल 7, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 4, ये डासिया की, ये USZ की, ये पता नहीं किसकी किसकी, ये बताओ। फेरो फुल मैक्स लेवल 7, फेरो देखो गाइस कितने लेवल का है, लेवल 6 का, और लेवल 7 अब आया है। इसका आईडी देख लो गाइस, आईडी देख लो, ये देखो आईडी ध्यान से देख लो। इस पर भाई जितना हो सके उतना रिपोर्ट मारो, जितना हो सके भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ब्रो प्लीज़ यार, जितना हो सके उतना रिक्वेस्ट मारो, और कोई बात नहीं कहूँगा, प्लीज़ गाइस प्लीज़। और आप लोग इस फ्रॉड से बचो, कोई भी गाइस आपको नहीं दे सकता आईडी, कोई भी इतने सस्ते दाम में नहीं देगा। आप इससे बचो, मेरा मानो तो इससे बचो, आप पैसे मत दो, और इस आईडी को बैन करा दो गाइज। बैन मतलब समझ रहे हो, इस आईडी को बैन ऐसे कराओ, मैं बताता हूँ कैसे ये बैन होगा, और कोई बात नहीं है। अभी देखो हम गए प्रोफाइल में, जाना है सीधे, इस पर रिपोर्ट डालना है। कहाँ से रिपोर्ट पड़ेगा, अरे रिपोर्ट का ऑप्शन ही नहीं दे रहे। ये आया गाइज रिपोर्ट का, ठीक है ये बाबा, इसका और कुछ नहीं करना है, चीटिंग पे डालो, चीटिंग नहीं डालने का, चीटिंग नहीं, अर्निंग टीममेट्स भी नहीं, कुछ भी नहीं डालने का, यहाँ लिखने का अदर, और उसके बाद ये कैरेक्टर में जाओ, यहाँ पे लिखो फ्रॉड, फ्रॉड इन माय लॉगी लिख दो, फ्रॉड इन माय, या आप ऐसे लिख दो फ्रॉड किया है इसने मेरे साथ आईडी सेल बोलकर भी सेल नहीं किया। गाइज इतना लिखने के बाद और कुछ नहीं करना है, क्लिक करो रिपोर्ट पे दबाओ। भाई हद से हद 50 रिपोर्ट मारोगे ये आईडी बैन हो जाएगी गाइज आपके सारे। इनने मेरे साथ फ्रॉड किया गाइज, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे को इंसाफ दिला दो गाइज प्लीज़ यार, बस ये गेम इतना ही है। आशा करता हूँ कि आप ये अपना भाई होने के नाते मेरे को इंसाफ दिलाओगे गाइज, इसको आईडी को बैन कराओगे। जितने भी पबजी लवर हो भाई प्लीज़, आईडी भी आपको दिखा दी, इस आईडी को बैन करा दो प्लीज़ गाइज प्लीज़।